चोण मौसम दे विच दल बदलियों दा दौर जारी। कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल आम आदमी पार्टी च होए शामिल। विधायकी भी छड़ी। होशियारपुर तो लोकसभा दे लई मिल सकदी आ आपदी टिकट। कांग्रेस छड़ के आम आदमी पार्टी दे विच जाण वाले राजकुमार चब्बेवाल दे उत्ते राजा बणिंग दा वार। कहा जिहड़े सिर दे उत्ते कर्जे दी पंड चुके पहुंचे सी विधानसभा उही सिर नीवा करके पवा लिया शमूलियत वाला परन। सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों पंजाब बचाओ यात्रा जारी। राखवें हल्के बलुआणा ते मलोट दे विच सुखबीर बादल ने यात्रा दे जरिए कीता शक्ति प्रदर्शन। अकाली दल दी सरकार मौके होई कम्मां ते मंगिया समर्थन। 24 दी चोण पिंड दा कल बजेगा बिगुल। दोपहर 3 बजे इलैक्शन कमीशन चोण तरीकां दा करेगा ऐलान। तरीकां दे ऐलान ते ही देश भर दे विच लागू हो जाएगा चोण जाब्ता। सुप्रीम कोर्ट ने इलैक्टोरल बॉन्ड मामले च SBI नूं जारी कीता नोटिस। कहा हुक्मां दे बावजूद क्यों नहीं दित्ती पूरी जानकारी, क्यों नहीं दित्ते चोण बॉन्ड दे नंबर, सोमवार तक मंगिया जवाब। इंतजार हो रहा है खत्म, होने जा रहा है शंखनाद। सच चुकी है सियासी पिसा, वड्डे दिग्गज भी ने पद्दा पार। न्यूज 18 पंजाब की टीम भी है तैयार। चोणां दे ऐलान ते महाकवरेज सवेरे 7 बजे तो लगातार सिर्फ न्यूज 18 पंजाब हरियाणा ते। सत श्री अकाल, नमस्कार, गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। हाजर हां, फर्क तां पैंदा है लैके जदों चोणां दी दस्तक दे विचाले पार्टी तो आगू दूर होण लगण और 7 दिनां दे विच 3 वड्डे नाम पार्टी नूं छड के दूजियां पार्टियां दा रुख कर लैण, फिर फर्क तां पैंदा है। जी अज असी शुरुआत करन जा रहे हैं, सब तो पहला गल कांग्रेस की। कांग्रेस दे विचों 9 मार्च नूं गुरप्रीत GP आम आदमी पार्टी वाले पासे चले गए, तो 14 मार्च नूं प्रनीत कौर ने कांग्रेस नूं छड के BJP दा पल्ला फड़ लिया। तो उस तो बाद जो 15 मार्च का दिन आया तो फिर होशियारपुर तो विधायक डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने कांग्रेस नूं छड्या ते आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चब्बेवाल नूं पार्टी दा पटका पवा के उन्हां दा स्वागत किया। 10 दिन पहला राजकुमार आम आदमी पार्टी सरकार दे लई कर्ज दी पोटली लैके विधानसभा पहुंचे सन, हुण उन्होंने खुद आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पंजाब दे विकास लई कर्जा चढ़िया, फाइनांस मिनिस्टर साहब नाल गल भी की और उन्होंने ये भी भरोसा दवाया कि यह बेशक पंजाब दे विकास लई है पर असी इस कर्जे नूं लावांगे भी, ये पंड हौली भी करांगे। लोकसभा चोणां तो पहला कांग्रेस छड के आम आदमी पार्टी दे विच जाण वाले चब्बेवाल तीजे कांग्रेसी आगू ने। इस तो पहला गुरप्रीत सिंह GP ते MP प्रनीत कौर कांग्रेस छड चुके ने। GP नूं आम आदमी पार्टी ने फतेहगढ़ साहब तो उम्मीदवार भी ऐलाने है अते हुण चर्चा है कि चब्बेवाल नूं आम आदमी पार्टी होशियारपुर सीट तो लोकसभा चोण दे विच उतार सकदी है। पर सवाल यह भी है कि जदों कुछ दिन पहला खूब निंदण वाली पार्टी नूं ही ज्वाइन कर लिया जावे फिर फर्क तां पैंदा। उधर डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल दे आम आदमी पार्टी दे विच शामिल होने तो बाद कांग्रेस दे वल्लों तिखा प्रतिक्रम सामने आ रहा। अति डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ते तिखा तंज कसदियां पार्टी दे प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बणिंग ने लंघे दिनी चब्बेवाल दे वल्लों चुकी गई कर्जे दी पंड अते किते गए प्रदर्शन दा जिक्र किया। और जिस प्रकार दे हालात हो गए, तुसीं कर्जे दी पंड लैके जा रहे हो विधानसभा दे विच, फिर तुसीं संगल लैके जा रहे हो भगवंत सिंह मान हरास अज गला थले करके उसी मान साहब तो तुसी पटका पवा रहे हो। उधर डॉक्टर राजकुमार बीरका ने कहा कि जिहड़ी संगल वह मुख्यमंत्री दे लई लैके गए सन उही अपने गल दे विच पा ली है कि जिहड़ा संगल लैके वह विधानसभा च गए सी कि वह भगवंत मान नूं दे के आए सी संगल कि वह मेरे ही गले च पा ली, आपे ही वह अपने गले च संगल पा के अज आम आदमी पार्टी च चले गए। हाउस दे विच अपने डिप्टी लीडर दे इस तरीके एको दम किते ऐलान दे नाल सिद्धे तौर ते कांग्रेस नूं फर्क तां पैंदा है। ते सवाल भी कांग्रेस दे सामने खड़ा हुंदा है कि आखिर क्यों पार्टी दे लीडर उहनां नूं छड के दूजियां पार्टियां दा रुख कर रहे ने। इस सब दे विच अगे वधदियां ते हुण गल शनिवार दी। शनिवार दा दिन सियासी तौर दे उत्ते बहुत हलचल वाला रहेगा। शनिवार दे दिन क्योंकि हरियाणा कैबिनेट दा विस्थार होण जा रिहा है और 3 बजे लोकसभा चोणां दा बिगल बजेगा। पहला गल हरियाणा कैबिनेट दे विस्थार। नवे मुख्यमंत्री नायब सैनी, नायब सिंह सैनी,
उन्होंने कैबिनेट का यह पहला विस्तार तुम कह सकते हो क्योंकि पांच मंत्रियों ने जिस दिन उन्होंने सहु चुके उस दिन ही पांच मंत्रियों ने सहु चुकी थी और कैबिनेट विस्तार तो बाद विभागों की वंड भी कर दी जाएगी। हाईकमान तो सीएम नायब सिंह सैनी हरी झंडी मिल चुकी है। मंत्रिमंडल के हाले भी अठ मंत्रियों की थान खाली है और बिल्कुल इलेक्शन तो पहला ही कहा जा रहा है कि तकरीबन तय है कि जोड़े कई विभाग भर दिए जाएंगे। जोड़े आजाद उम्मीदवार आजाद विधायकों ने नायब सिंह सैनी सरकार बनाने समर्थन दिता है उन्होंने भी कई की लॉटरी लग सकती है कैबिनेट रैंक के नाल। और काबिले गौर भी है कि 3 बजे क्योंकि शनिवार दोपहर बाद 3 बजे लोग सभा चोणों का बिगल बज जाएगा तो उस तो बाद कोड ऑफ कंडक्ट की वजह के नाल बहुत सारे डिसीजन ने जिहड़ियां सरकारां नहीं लै सकणगियां। इस साल हरियाणा के इलैक्शन हो जा रहे हैं तो जो इलैक्शन हो गए उस समय भी जी उस तो पहला भी जे एक तरीके कह सकते हो कि विधायकों तक पहुँच बनाने या फिर उन्हों का पोर्टफोलियो मजबूत करने की एक तरीके कोशिश होंगी है खुश करने की कोशिश होंगी है। तो फिर 11 बजे विस्तार नायब सरकार अंकित दुदानी इस समय फोनलाइन से साढ़े नाल ने साढ़े सहयोगी अंकित क्या कुछ जानकारी आपके पास 11 बजे कैबिनेट विस्तार और किस किस का नंबर कैबिनेट रैंक के लिए लग सकता है? बिल्कुल 11 बजे कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। नायब सैनी जो सरकार बनी है नायब सैनी मंत्रिमंडल जो बना है उसका पहला विस्तार कल 11 बजे होने जा रहा है क्योंकि कल ही आचार संहिता लग जाएगी चुनावों का ऐलान हो जाएगा 3 बजे के बाद किसी भी समय आचार संहिता लग जाएगी तो उससे पहले 11 बजे ये जो विस्तार है वो रखा है क्योंकि पहले जब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शपथ ली तो उस समय 5 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली थी तो अभी भी 8 जगह जो है वो खाली है तो 8 हो सकता है कि कल मंत्री 8 के 8 जो सीटें खाली हैं उस पर शपथ लेते हुए नजर आए। जहां तक चेहरों की बात है तो 2 निर्दलीय विधायकों का नंबर लग सकता है। 2 निर्दलीय विधायक जो है उसमें धर्मपाल कोंदर है नैनपाल रावत है और रणधीर गोलन है इनमें से 2 विधायकों का नंबर पक्का लगना तय माना जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए 2 पूर्व में मंत्री जो थे जो अभी हटा दिए गए थे तो उनमें से भी 2 की लॉटरी लग सकती है। अनिल विज की जहां तक बात है तो अनिल विज अभी तक तो नहीं माने हैं लेकिन रात रात में हो सकता है कि केंद्र की तरफ से प्रयास जारी है अगर अनिल विज हाँ भरते हैं तो अनिल विज को भी सीनियर मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी और एक अन्य मंत्री को भी अहिरवाल से हो सकता है वो मंत्री वहां से शपथ दिलाई जाएगी। वहीं जो हरियाणा लोकहित पार्टी है गोपाल कांडा उनको भी शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया अंकित धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई इस पूरी गलबात दे लई। ते एक लंबी चौड़ी लिस्ट है 8 मंत्रियों की थान खाली है और उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन सारिया जिहड़ियां सीटां ने मंत्रिमंडल दे विच नायब सरकार दे विच उह भर दित्तियां जाणगियां। ते शनिवार दे दिन की दूजी सब तो वड्डी खबर होएगी लोक सभा चोणां नूं लैके। चोण कमिशन दुपहरे 3 बजे लोक सभा चोणां दीआं तरीकां दा ऐलान कर देवेगा। चोण दीआं तरीकां दे ऐलान दे नाल ही पूरे देश दे विच चोण जाबता लग जाएगा। आम चोणां दे नाल ही कुछ सूबियां दे विच विधानसभा चोणां दीआं तरीकां दा भी ऐलान होणा है। लोक सभा चोणां दे नाल नाल आंध्र प्रदेश ओडिशा सिक्किम अते अरुणाचल प्रदेश दीआं विधानसभा चोणां दीआं तरीकां दा भी ऐलान हो सकदा है। इस दे नाल ही जम्मू कश्मीर दे विच चोणां होणगीआं जां नहीं इह भी साफ होवेगा। चोणां दीआं तरीकां दे ऐलान नूं ईसीआई दे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे जरिए लाइव स्ट्रीम कीता जाएगा। मौजूदा लोक सभा दा कार्यकाल 16 जून नूं खत्म हो रहा है ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 19 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਮਈ ਤੱਕ 9 ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ 2014 'ਚ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਭਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 14.44%, 16.66%, ऑप्शन सी 18% तो ज्यादा या ऑप्शन डी 21% तो ज्यादा।
सही जवाब की है थोड़ी देर दे विच प्रोग्राम दे दौरान ही तुहाडे सामने रखांगे। उधर सुप्रीम कोर्ट दे विच नवें चोण कमिश्नर दी नियुक्ति नूं रद्द करन तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चोण समिति तो सीजीआई नूं बाहर रखने वाले 2023 दे कानून दे उत्ते अंतरिम हुक्मां दे जरिए रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई की तारीख 21 मार्च तय कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मामले च एक होर पिटीशन दाखिल करने के लिए कहा, जिस तो बाद 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई, यानी कि हुणे मामला 21 मार्च तक मुलतवी रहेगा। दस दिए कि लोकसभा चोणों तो पहला दो नवे चोण कमिश्नर की नियुक्ति लंघे वीरवार को हुई। केंद्र सरकार ने वीरवार को नोटिफिकेशन के जरिए दसिया कि साबका IAS अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधु चोण कमिश्न के नवे चोण कमिश्नर होणगे। वीरवार की सवेरे इन्हों की नियुक्ति लैके प्रधानमंत्री की अगवाई वाले पैनल ने बैठक की। इस तो बाद विरोधी धिर के आगू अधीर रंजन चौधरी ने इन्हों के नाम तय होने की संभावना जताई सी। उधर एक मुद्दा इलैक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट के फिर गूंजा। इलैक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के मामले च सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नू नोटिस जारी कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI तो सोमवार तक जवाब मंगे है। CJI ने कहा कि हुक्मां दे बावजूद पूरा डेटा नहीं दिता गया। बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत SBI तो मंगे गए सन, पर पूरा डेटा नहीं दिता गया। सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि भाई स्टेट बैंक तो अभी है नहीं, उन वो पार्टी है नहीं, तो इसलिए उनको नोटिस इशू करे बगैर आप ऑर्डर मत पास करिए। तो उन्होंने स्टेट बैंक को नोटिस दिया है मंडे के लिए और मंडे को इसकी सुनवाई होगी। दस दिए कि कुछ दिन पहला SBI ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों के तहत इलैक्टोरल बॉन्ड का डेटा चोण कमिशन सौंपया, जिसनों EC ने वीरवार को अपनी साइट के उत्ते अपलोड कर दिता। इस तो पहला 15 फरवरी नूं सुप्रीम कोर्ट ने इलैक्टोरल बॉन्ड स्कीम दे उत्ते फौरी तौर दे उत्ते रोक लगा दित्ती सी। उधर श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं कानूनी नोटिस भेजिया है। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस बार सिद्धू ने प्रधानमंत्री मोदी की लहर के जितते BJP MPs के उत्ते बयान दिता और उन्होंने लोकसभा चोणा लड़न तो किनारा कर लिया। मैं 200 बार कह चुका हूँ, अगर मैंने चुनाव लड़ना ही होता तो मैं कुरुक्षेत्र से लड़ लेता ना, आज तीसरी बार का मंत्री होता। कोई ऐसा बंदा हो जिसने मनमोहन सिंह जी की वेव में 3 इलेक्शन जीते और जब मोदी साहब की वेव आई गधे जीत गए, तब उसने कहा मैं MP नहीं लड़ूंगा। इस तो पहला सिद्धू चंडीगढ़ विच गवर्नर BL पुरोहित दे नाल मुलाकात करन पहुंचे सी, जिथे उन्होंने पंजाब दे बजट दी ऑडिट दी मांग कीती। काबले गौर है कि कुछ दिन पहला प्रगट सिंह कांग्रेस दे वड्डे आगू ने उन्होंने एक बयान दिता सी कि जिहड़े पंजाब कांग्रेस दे वड्डे नेता ने उन्हां नूं इलैक्शन जरूर लड़ना चाहिदा है, पर सिद्धू साफ कर रहे ने कि उन्होंने पार्लीमेंट नहीं जाना। उधर लोकसभा चोणां दे मद्देनजर पंजाब पुलिस ने असला जमा करवाउण दे लई आदेश दे दित्ते। पुलिस ने सारियां नूं लाइसेंसी हथियार 15 दिनों के अंदर थाने च जमा करवाउण नूं कहा है। पुलिस का साफ हुक्म है कि हुण कोई भी शख्स अपना वैपन चुक के सरेआम नहीं घूम सकता। बुनियादी रही भी लोगों जो मैसेज पहुँचा रहे हैं कि जिहड़े हैगे ने अपने असले जां तां जिहड़ा नेड़े दा थाना हैगा उत्थे जमा करवाए जाण, या जिहड़े गन हाउस बने हुए ने उहदे विच जमा करवा के उहदी जिहड़ी रसीद हैगी है वह अपनी जिहड़ी हैगी कंसर्न जिहड़े हैगे जुरिसडिक्शन दा थाना पैंदा उत्थे जमा करवा सकदे आ। दरअसल चोणां दे ऐलान दे नाल ही चोण जाब्ता लागू हो जांदा है, अजे सारे नूं अपने लाइसेंसी हथियार
ਨੇੜੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 15 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਉਸਦਾ। 15 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ 147 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਦਰਅਸਲ 15 ਮਾਰਚ 1877 ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੈਸਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਲਬਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟੌਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ ਬੈਨਰਮੈਨ ਦੀ 165 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇਨਿੰਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 245 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬੈਨਰਮੈਨ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ 196 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।